ब्लॉकबस्टर मूवीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें एन स्टूडियोज और बेल आइकॉन दबाएं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भो मा ते संगोऽस्तु विकर्मणि। शय का इतना ही फसाना है, एक धुंद से आना है, एक धुंद में जाना है। ये राह कहाँ से है, ये राह कहाँ तक है, ये राज कोई राही समझा है न जाना है। संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। एक पल की पलक पर है ठहरी हुई ये दुनिया, एक पल के झपकने तक हर खेल सुहाना है। संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। किस पर किस मोड़ पे क्या बीते, किस राह में राही हर मोड़ बहाना है। संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। ला 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 Yeah.
माफ कीजिए, आपको बेवक्त तकलीफ दे रहा हूँ। दरअसल बात यह है कि बाहर मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। अगर आपको एतराज ना हो तो आपका टेलीफोन इस्तेमाल कर सकता हूँ। लगता है सो रहे हैं। भाई साहब ये खून मैंने किया है। ये खून? हाँ, मैंने किया है। और ये मेरे पति। और आपने अपने टेलीफोन सामने मेज पे रखा है। आप पुलिस को बुला लीजिए। आप रो रही हैं? रो नहीं तो क्या करूं? रोना तो जिंदगी भर का रहा है। जब से शादी हुई है रो ही तो रही हूं। इस नरक में 5 साल काट दिए। मैं खुद मर जाती या इसे मार देती। ये पति थोड़ी थे, जानवर थे। बात बात में झगड़ते थे, बुरी बुरी गालियां देते थे। रोज सोचती थी आत्महत्या कर लूं, कुछ खा के सो रहूं, गले में फंदा डाल के मर जाऊं। आज प्याला भर गया था। उन्होंने पिस्तौल निकाल ली और मुझे कत्ल करने की धमकी दी। मैं भी झपट पड़ी, हाथापाई हुई और गोली चल गई। गोली चल गई? गोली चल गई और किसी ने सुना नहीं? इस घर में क्या आप अकेली रहती हैं? नहीं, मेरी सास है, छोटा देवर है, नौकर है, नौकरानी भी है। और गोली की आवाज सुनकर कोई नहीं आया? इस घर में गोली की आवाज कोई अनोखी बात नहीं। ये दिन रात इस कुर्सी में बैठे गोली चलाते रहते थे, कुत्ते बिल्लियां मारते रहते थे। ऐसा क्यों? एक दिन एक शेर ने इनको जख्मी कर दिया और इनकी दोनों टांगे बेकार हो गईं। उस दिन से ये शेर का बदला हमसे लेते रहे। दिन भर कुर्सी में बैठे बाहर गोली चलाते रहते थे। कई आदमी मरते मरते बच गए। पड़ोस के लोगों ने पुलिस को बुलाने की धमकी भी दी। तंग आके इस जंगल में मकान ले लिया। खैर, अब छोड़िए इस कहानी को, आप पुलिस को बुला लीजिए। मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगा। क्यों? ऐसे जानवर के लिए जान देने की क्या जरूरत है? मगर खून तो मैंने किया है। ये बात मेरे सिवा और कोई नहीं जानता। तो आप क्या करेंगे? आपको बचाऊंगा। आप मुझे बचाएंगे? हाँ, क्योंकि यह खून खून नहीं है, एक इत्तफाकी हादसा है। गोली आपको भी लग सकती थी। मगर कानून इस बात को नहीं मानेगा। कानून वही देखता है जो उसे दिखाया जाता है। अगर हम कुछ ऐसा करें, ये खून किसी बाहर के आदमी का काम मालूम हो तो। बाहर का आदमी? हाँ, ये खून कोई चोर भी कर सकता है। चोर? ये अपने पैसे कहाँ रखते थे? अपनी अलमारी में। अलमारी कहाँ? इस कमरे में। अलमारी की चाबी? इनकी जेब में होगी। ठीक,
चोर घर में घुस आया, इस कमरे में आया, देखा ये सो रहे हैं, चुपके से इनकी जेब से चाबी निकाली और सीधा उस कमरे की तरफ चला गया। इस कमरे में आकर अलमारी को चाबी लगाई, अलमारी खोली, अलमारी की सब चीजें बाहर फेंक दी ताकि चोरी लगे, और उसके बाद रुपए निकाले, बत्ती बुझाई, दरवाजा बंद किया और कमरे से बाहर निकल गया। जैसे चोर जाने लगे इनकी आंख खुल गई, इन्होंने पिस्तौल निकाल ली, चोर इनके ऊपर झपटा तो उन्होंने हाथापाई हुई, चोर ने इनके हाथ से पिस्तौल छीन ली और गोली चला दी, ये मारे गए और चोर भाग गया। क्यों, कैसी है ये कहानी? लेकिन ये कहानी बताएगा कौन? मैं बताऊं? आप? हाँ मैं, मगर इससे पहले हमें एक और ड्रामा करना होगा जिससे ये साबित कर सके कि कत्ल के वक्त आप यहां नहीं कहीं और थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। देखिए, अगर आप बचना चाहती हैं तो जैसे जैसे मैं कह रहा हूं वैसे वैसे कीजिए। आप सोती कहां? ऊपर के कमरे में। ठीक है, आप ऊपर अपने कमरे में जाइए, नाइट गाउन पहनिए, बिस्तर में लेटिए और अपनी नौकरानी को बुलाइए। नौकरानी से क्या कहूं? उससे कहिए कि आपके सर में दर्द है, आपको नींद नहीं आ रही और आपके लिए चाय बनाए। जब वो चली जाए आप उसके पीछे पीछे एनासीन ढूंढने के बहाने किचन में जाइए, वहां आप एनासीन ढूंढिए जो आपको नहीं मिलनी चाहिए। फिर? ठीक है, 11 बजे आपको गोली चलने की आवाज आएगी जो मैं चलाऊंगा। ये आपके लिए इशारा होगा कि आप अपनी नौकरानी को एनासीन लेने के लिए इस कमरे में भेजें, ताकि सबसे पहले आपकी नौकरानी इस खून को देखे, और क्योंकि उस वक्त आप किचन में होंगी आपके ऊपर शक नहीं जाएगा। एनासीन ये है इस ट्रे में, बाकी मुझ पे छोड़ दीजिए। अब आप जल्दी से ऊपर जाकर कपड़े बदल लीजिए और मैं यहां फर्नीचर वगैरह से आपकी उंगलियों के निशान मिटाता हूं। जाइए, सुनिए ये लीजिए। मैम साहब, आपने बुलाया मुझे? राधा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, एक प्याली चाय बना दो। अभी लाती हूँ। अरे, ट्रे कहाँ रखा? साहब के कमरे में होगा। हाँ
ट्रे लेने। उसकी जरूरत नहीं, मैं वैसे ही पी लूंगी। जी चलो। मीन साहब आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप क्यों नीचे आई? मैं तो ऊपर चाय ला ही रही थी। सर दर्द से फटा जा रहा था, मैंने सोचा एनिसिन भी ले लूं। कल तो यही कहीं रखी थी। मैं देखती हूँ। नहीं नहीं तुम चाय बनाओ, मैं देख लेती हूँ। राधा इसमें तो एनिसिन की शीशी नहीं है, शायद बांके सांप के लिए ले गया होगा। ग्यारह बज रहे हैं, लोगों के सोने का वक्त हुआ और हमारे साहब है जो अभी तक कुत्ते बिल्लियां ही मार रहे हैं। क्या हुआ मिंसा? मेरा दिल घबरा रहा है, जल्दी से आने सुन लिया, शायद साहब के कमरे में होगी। अच्छा कहाँ रखी? भागी भागी, सांप को क्या हो गया? देखी सांप को क्या हो गया? मैं सांप, मैं सांप, सांप को क्या हो गया? माफ कीजिए, बाहर मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, यहाँ कोई टेलीफोन है? क्या हुआ? यहाँ सब ठीक तो है? मेरे बेटे का किसी ने खून कर दिया। खून? I'm sorry. आपने पुलिस को फोन किया? नहीं। मैं कर दूँ? हेलो पुलिस स्टेशन, यहाँ का एड्रेस क्या है? हिलव्यू तुलसी मार्ग। हेलो पुलिस, मैं हिलव्यू तुलसी मार्ग से बोल रहा हूँ, यहाँ पे खून हो गया है। खून? आपका टेलीफोन नंबर क्या है? टेलीफोन नंबर क्या है? 748 प्लीज। 748 हिलव्यू तुलसी मार्ग, टेलीफोन 748। जी अभी आते हैं। लाश को किसी ने हाथ तो नहीं लगाया? जी नहीं। मेहरबानी करके आप जरा पीछे हट जाइए। मैडम आप भी प्लीज। फोटोग्राफर बक्शी। यस प्लीज। ट्रे संभाल लो।
राणा। यस सर। बाकी सब सामान संभाल। कांचीराम। यस सर। गोली घड़ी के पास से निकल गई। मुरारे। जी साहब। सर सिगार कंटेनर। ये सिगार पीते थे? जी नहीं, पाइप। कीप इट। आप सब घर के लोग हैं ना? मैं नहीं हूं। आप कौन है? मैं इस घर के लिए नया हूं, अजनबी हूं। इतनी रात गए, इस मौत के घर में कैसे आए आप? मैं यहां से गुजर रहा था, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, पहिया खड्ड में गिर गया। मैंने सोचा यहां से कुछ मदद ले लूं, किसी गैरेज को फोन कर दूं। आपको मालूम था कि यहां फोन है? जी नहीं, मैंने सोचा इतना बड़ा घर है, शायद हो। फिर? जब मैं आ रहा था तो घर के अंदर से एक आदमी भागता हुआ बाहर गया और मुझसे टकरा गया। उसके हाथ से कुछ चीज गिरी, मैंने उठाई तो पता लगा पिस्तौल थी। मैंने पलट के देखा, आदमी धुंध में गायब था। पिस्तौल लेके मैं घर के अंदर आया तो पता चला कि घर के मालिक का खून हो चुका है। इंस्पेक्टर साहब, ये है वो पिस्तौल। काशीराम। यस सर। एक अच्छा शहरी होने के नाते मैंने अपना फर्ज समझा कि पुलिस को खबर कर दूं और जाने से पहले अपना बयान दे दूं। थैंक यू। आपका नाम? चंद्रशेखर। मिस्टर शेखर, जिस आदमी के साथ आप टकराए थे, उसका हुलिया, उसके कपड़े, कुछ याद है आपको? माफ कीजिए, एक तो ये सब इतना अचानक हुआ और दूसरा धुंध थी, अंधेरी रात थी, मैं कुछ देख नहीं पाया। हाँ, इतना जरूर था, वो आदमी कुछ लंबे कद का था और ओवर कोट पहने हुए था, शायद नीले या काले रंग का होगा। अगर वो कभी आपके सामने आए तो क्या आप उसे पहचान पाएंगे? मैंने आपसे कहा ना, बाहर धुंध बहुत थी। आप रहते कहाँ हैं? न्यू होटल, रूम 116। नोट द एड्रेस। इंस्पेक्टर साहब, अब मैं जा सकता हूँ? हाँ, आप जा सकते हैं, लेकिन शहर छोड़कर नहीं। अगर आपको कभी शहर छोड़कर जाना होगा तो पुलिस स्टेशन में इत्तला करके जाइए। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी, मरने वाले के साथ आपका क्या रिश्ता था? मेरे पति थे। I'm sorry. आपका? माँ हूँ। अब मजा आया ना? ये लोग पुलिस को मैं पकड़ने आई है। सुनील, जाओ यहाँ से। मगर ये तो गया, ये तो गया। इसका दिमाग ठीक नहीं है। गुड इवनिंग सर, कंट्रोल रूम। हेलो, कंट्रोल रूम, इंस्पेक्टर जोशी स्पीकिंग। yes, अगर कोई लंबा सा आदमी नीला या काला ओवरकोट पहने मुश्तबा हालत में मिले तो उसे गिरफ्तार कर लिया। इट्स ओके। मेम साहब के सर में दर्द था, मैं उनके लिए चाय बना रही थी। मेम साहब किचन में आई, उन्हें सरदर्द की गोली चाहिए थी, गोली किचन में नहीं मिली, इसलिए मैं गोली लेने साहब के कमरे में आई। कमरे में दाखिल हुई तो देखा साहब मरे पड़े हैं, ऐसा लगता था किसी ने उनका खून कर दिया है। इसके अलावा कुछ कहना है? जी नहीं। जब आप कमरे में दाखिल हुई, आपने किसी को देखा? नहीं। किसी के भागने की आवाज सुनी? नहीं। जब आपने गोली की आवाज सुनी, आप बावर्ची खाने में थी? नहीं। तो कहाँ थी आप? किचन में। किचन में। आपका किचन कहाँ है? उस तरफ। क्या मुझे अपना किचन दिखा सकती हैं? जी। मिसेस सिंह, अगर तकलीफ ना हो तो आप भी मेरे साथ चलिए प्लीज। आइए। बख्शे,
यस प्लीज स्टॉप वॉच. यस सर. बक्से 45 सेकंड. जितनी देर में राधा बावर्ची खाने से हॉल में गई उतनी देर में हॉल का आदमी बाहर भाग सकता था. यू आर राइट सर. जिस वक्त तुमने गोली की आवाज सुनी तुम उस वक्त कहां थी? मैं यहाँ चाय बना रही थी और मैम साहब उस दराज में अनय सिंह ढूंढ रही थी. इस ड्रॉअर में? जी. अनय सिंह तो ड्रॉअर में थी. जल्दी में आप इसे देख नहीं पाई इसलिए आपने राधा को साहब के कमरे में भेज दिया. यह भी अच्छा हुआ सर. एनएस मिल जाती तो सुबह तक पता ही नहीं चलता कि इस कमरे में खून हुआ है. पता तो फिर भी चल जाता है क्योंकि मिस्टर चंद्रशेखर टेलीफोन करने के लिए अंदर आने वाले थे. ओह राइट सर. कीप दिस बॉटल. ये कमरा किसका है? बांकीलाल का. बांकीलाल कौन? नौकर है. ओह प्लीज. आदमी काफी रंगीन मालूम होता है. ये तस्वीर किसकी है? हमारे नौकर बांकीलाल की. इंस्पेक्टर साहब उस रूम में एक अलमारी खुली पड़ी है और सारा सामान बिखरा पड़ा है. इसका किरण, क्या आप बता सकते हैं ये किरण कौन है? मुझे नहीं मालूम. ये अलमारी किसकी है? रंजीत की. वो अपना रुपया पैसा इसी में रखते थे? जी इसी में रखते थे. मालूम होता है ये खून चोरी की वजह से हुआ है. हो सकता है. यू मे बी राइट मगर ये काम जरूर किसी भेदी का है जिसे घर के बारे में सब कुछ मालूम है. अलमारी कहाँ है, चाबियां कहाँ है, रुपया कहाँ है. अलमारी तोड़ी नहीं गई, खोली गई है. यस ओह यस. आपका नौकर इस वक्त कहाँ है? वो तो 9:30 बजे रंजीत को कॉफी देके चला जाता है. कहाँ चला जाता है? जुगना से चुनरिया खिसक गई रे. जुगना से चुनरिया खिसक गई रे. जुगना से चुनरिया तन और उस पे जवानी. नाजुक तन और उस पे जवानी. नाजुक तन और उस पे जवानी. हाय पतली कमरिया हाय रे पतली कमरिया लचक गई रे. Thank you.
गुस्से में इनके ये तेवर तो देखो, गुस्से में इनके ये तेवर तो देखो, गुस्से में इनके ये तेवर तो देखो, जैसे बादल में बिजली हाय रे हाय, जैसे बादल में बिजली सड़क गई रे, बादल में बिजली सड़क गई रे, दुनिया की नजरिया बहक गई रे, जुगना से चुनरिया अजनाब जी साहब शमिया सिग्नल हो गया, तेरे बाके का जाने का टाइम हो गया है, मेरी ब्यूटी तेरी ड्यूटी खत्म कल शाम तक है, चलता हूँ। जुगना से सुनरिया शरक शरक खिसक गयो, ए शमिया ये मोटू पे कफन डाल देना, भूलना नहीं है। हवाला शाह आप इधर, आपका भी शक्कर लग गया है। जाइए 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 शराम साहब, साहब ये आप भी इधर। अरे शमिया तेरा सेकंड शो भी फुल है, बड़े बड़े आदमी आए, शांति है तेरी शांति। शराम साहब क्या क्या बात चढ़ गई यार। शाम जी मैं जो पीता है नहीं, शाम जी वो थोड़ी सी शुंगी थी ना, वो टिंग टिंग करिए शाम जी। ऐसे शमिया चलते हो शमाल ना पुलिस वाले। शराम साहब शराम साहब शराम साहब, ये कोट तो बड़ा बढ़िया पहना तुमने। शाम है बड़े शाम का कोट है, शाम आपको चाहिए तो ले लीजिए। शराब तलाशी लगता देखिए, शाम तलाशी तलाशी शाम शाम मैंने क्या किया, शाम शाम मैंने तो कुछ नहीं किया, शाम आप क्यों तलाशी ले रहे हैं, शाम 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 आप असली पुलिस है ना शाम। तो तुमने कोर्ट के साथ रुपया भी चोरी किया। चोरी चोरी नहीं शाम, श्री शाम मैंने चोरी बोरी नहीं किया शाम, ये तो मेरा अपना पैसा है शाम। शाम अभी आप लोग से क्या छुपाऊं, किसी को मत बोलना शाम। शाम आज बहुत दिनों के बाद मेरा शक्का लग गया शाम, ये पैसा उसी का है शाम, कहता हूँ शाम। चले चलो स्टेटमेंट लेंगे। क्या लेंगे शाम, मैं आपको धन्यवाद देने आई हूँ, जो कुछ आपने मेरे लिए किया मैं उसे जिंदगी भर नहीं भूल सकूंगी। इंसान ही इंसान के काम आता है रानी जी, आपको कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर दीजिएगा। अच्छा मैं चलूं, नमस्ते। नमस्ते। सर मैं छमिया के कोठे से अभी भी होके आया हूं। क्या बयान है छमिया का? छमिया का बयान है कि बांके लाल तकरीबन हर रोज रात को वहां आता है और कल रात भी 10 बजे से वहीं था। इसका मतलब है कि इस काम में बांके का हाथ नहीं हो सकता। कचराम जी हजूर, बांके को ले आओ। बहुत अच्छा हजूर। शाब जी हुजूर, मैं बाप सवेरे की चाय नहीं मिली। हे भगवान कैसी दुनिया है, गाना सुनने पे सरकार बंद कर देती है और चाय भी नहीं देती। चाय की बात बात में करना बाकी, तुमको इंस्पेक्टर साहब ने बुलाया। फिर बुलाया? हाँ फिर बुलाया। चलो चलो।
शाह जी याद फरमाया शाह जी। शाह जी मैं तो गरीब आदमी हूँ, बेकसूर हूँ, मुझे क्यों अंदर बंद कर दिया शाह जी? नशा कर गया तुम्हारा? मुझे नशा नशा तो पुलिस को देखते ही उतर जाता है, मेरा भी उतर गया कल रात को। कल रात की बातें याद है या भूल गए? कौन सी बात शाह जी, वो कल रात छमिया वाली? हुजूर छमिया का गाना सुनना तो कोई गुनाह नहीं है, और फिर तो छमिया बाजार में बैठी है, और हुजूर लाइसेंस तो आप ही ने दिया है। बकवास बंद करो, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे साहब का खून हो गया? आप उल्टी बात कर रहे हैं साहब, मेरे साहब ने किसी का खून कर दिया? नहीं नहीं, तुम्हारे मालिक रंजीत सिंह का खून हो गया। मैंने नहीं किया हुजूर, खून मैंने नहीं किया हुजूर, हुजूर मैंने खून नहीं किया, मैं मेरी कसम खा के कहता हूँ हुजूर, मैं आपकी कसम खा के कहता हूँ हुजूर, मैंने खून नहीं किया। मैंने तो ठीक 9:30 बजे शाह को काफी दिया, तब बिल्कुल जिंदा था, एकदम गाली दे रहा था, लंबी लंबी गाली दे रहा था। ठीक है ठीक है, खून उसके बाद हुआ। लेकिन शाह तो बड़ा अनहोनी हो गया शाह, मेरा शाह तो मरने वाली चीज नहीं था शाह। वाकई तुम्हारे ख्याल में ये खून कौन कर सकता है? तुम्हारा शक किस पर जाता है शाब? शक की बात तो ऐसी है शाब कि कोई भी कर सकता था शाब। माफ करना, था तो मेरा मालिक लेकिन आदमी बिल्कुल थर्ड क्लास था, बाहर वाले तो छोड़िए घर वाले भी बिल्कुल तंग आ गए। शाब एक बात बताऊं सच्ची बात, उसे कोई भी मार सकता था। मसलन कौन कौन? शाब वो माँ है ना शौतेली माँ, उसका बस चलता तो उसको गोली मार देती। वो छोटा भाई है जिसको पागल बना के छोड़ दिया, वो उसको जहर दे देता। और उसकी बीवी, राम राम शाह, इतना झगड़ा इतना गाली गलोच, शाह हमारा शाह तो उसको प्लेट फेंक के मारता था। शाह जी ऐसा आदमी था हमारा शाह, हमने तो जो भुगतना था भुगत लिया शाह जी, अब ऊपर वाला भुगते। ठीक है बाकी हम तुम्हें छोड़ते हैं, तुम घर जा सकते। थैंक यू शाह जी, थैंक यू शाह जी, शाह जी आपके बाल बच्चे जीते रहे शाह जी, आप विशाल हो जिए शाह जी। अब कोई और अड़ंगा है शाह जी? देखो जब तक मुकदमे का फैसला ना हो जाए तुम शहर छोड़कर नहीं जा सकते। शाह जी तो छमिया के वहां तो जा सकता हूँ ना? वो तुम्हारी मर्जी। शाह जी, शाह जी अब क्या है जी, खाली हाथ चला जाओ शाह जी। वो कल छमिया के वहां मेरा 4,000 रुपया आप ले लिया ना? 4,000? नहीं नहीं, आपको रखना है तो रखिए शाह जी, आप लोगों का भी खर्चा पानी होता है, मेरे को मालूम है शाह जी। कुंदनलाल शाह जी तो पैसा है। हाँ कुंदनलाल, कुंदनलाल शाह शाह जी बच्चे सर लेट्स गो। माता जी इंस्पेक्टर साहब आपसे मिलने आए हैं, आइए। नमस्ते, नमस्ते। मैं आपसे कुछ जरूरी बातें करना चाहता हूँ, तशरीफ रखिए। स्वर्गवासी रंजीत सिंह की सगी माँ हैं आप? जी नहीं, सौतेली। मरने वाले बेटे के साथ कैसे ताल्लुकात थे आपके? जैसे कि सौतेली माँ के हो सकते हैं। इसका मतलब अच्छे नहीं थे? मेरे साथ क्या, किसी के साथ भी अच्छे नहीं थे, और मुझे तो उसने कभी माँ समझा ही नहीं, बात बात पर मेरी बेइज्जती करता था। फिर तो आपको रुपए पैसे की बहुत तंगी रहती होगी। बहुत, छोटी छोटी चीजों के लिए उसके आगे हाथ फैलाना पड़ता था। आपके पति आपके लिए कुछ अलग नहीं छोड़ गए? नहीं, उनकी अचानक मौत हो गई थी। कैसे हुई थी? हार्ट फेल। बड़ा जुल्म हुआ आपके साथ। मर्जी भगवान की। सुनिए आपकी कोई अपनी औलाद नहीं है? एक लड़का। कितना बड़ा? 16 बरस का। अच्छा, वही जिसका दिमाग खराब है? वो भी बड़े भाई की वजह से, उसने इसे पागल बना के छोड़ दिया, बात बात पे घर से निकाल देने की धमकी, पागल खाने भेजने का डरावा। बच्चे का दिमाग तो पहले से ही कमजोर था, बड़े भाई के इस सलूक ने और भी खराब कर दिया। ये सारी जायदाद आपके पति की है ना? जी। बड़े भाई के मरने के बाद इस जायदाद का मालिक आपके बेटे को होना चाहिए। जी। लेकिन उसकी उम्र भी छोटी है, दिमागी हालत सही नहीं, इसका मतलब है इस जायदाद की मालिक आप बने। जी।
आपका बेटा सब कहाँ है? अपने कमरे में होगा। इन्हें तुमने मारा? तुम तो अब मारे हो, ये तो कल के मर चुके हैं। हाँ, वो कल, वो कल किसी और ने मारा था। तुम उसे जानते हो? है? हाँ, जानता हूँ, पर बतलाऊंगा नहीं। सुनिल, क्या बक रहे हो? जानते हो ये पुलिस इंस्पेक्टर है? हाँ, ये भैया को पकड़ने आए हैं, वो फांसी दे रहे। वो तो मर गए, वो मैंने मारा, इन्हें मार देना। तुम चुप हो जाओ सुनिल। आप खामोश रहिए। बेटे, तुमने किससे कहा था उन्हें मारने के लिए? भाभी, बता दो। क्या बता दो? बोलो बोलो सुनील, किसने मारा बोलो। उसने। उसने किसने? बता दो। हाँ बताओ बताओ। भगवान ने, वो मुझे पागलखाने भेजता था। हेलो मिस्टर सुरेश। हेलो इंस्पेक्टर। माजी, मुझे रंजीत के मरने का बड़ा दुख हुआ। रानी, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि आप लोगों ने मुझे खबर तक नहीं दी। आज सुबह अखबार पढ़ा तो पता चला। ये सब हुआ कैसे माजी? कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक्सक्यूज मी मिस्टर सुरेश, मरने वाले को आप अच्छी तरह जानते थे। बहुत अच्छी तरह से। इस घर के लोगों से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, तकरीबन रोज आता हूं। इत्तेफाक की बात है कि कल रात ही नहीं आया। इंस्पेक्टर। यस प्लीज। खूनी का कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं, लेकिन एक बात का पता जरूर चल गया। किस बात का? कि ये काम किसी ऐसे आदमी का है जो इस घर के बारे में सब कुछ जानता है। ये आदमी कौन हो सकता है? आप भी हो सकते हैं। सिगार तो बहुत खूबसूरत है, बड़ा कीमती मालूम हो। शौक फरमाइए। शुक्रिया। देखिए, इस वक्त मैं ड्यूटी पे हूँ, इजाजत से घर ले जाओ और वहां आराम से बैठ के पी लो। आपकी मर्जी। बहुत बहुत शुक्रिया। राणा बख्शी। यस सर। लेट्स गो। राइट सर। माजी, ये इंस्पेक्टर यहाँ क्या करने आया था? मेरा बयान लेने आया था। मुझे लगता है उसे मुझ पर शक है। आप पर? हाँ, वो समझता है रंजीत की मौत का फायदा मुझे होने वाला है। ये कैसे हो सकता है? चंद्रशेखर का बयान है उसने खूनी को घर से बाहर भागते देखा था। चंद्रशेखर कौन? रात एक आदमी यहाँ आया था। क्या उसने किसी को बाहर भागते हुए देखा था? हाँ। राणा। यस सर। फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट आई? रिपोर्ट तो अभी नहीं आई, लेकिन सर कमाल है, इस घर में इतने आदमी रहते हैं लेकिन जिस कमरे में खून हुआ किसी की उंगलियों के निशान नहीं मिले। लगता है किसी ने जानबूझकर निहायत एहतियात के साथ उंगलियों के निशान मिटा दिए। मगर मिटा नहीं सका। देखिए, भगवान के तरीके भी अजीब हैं। मुर्दा लाश ने कातिल की तरफ इशारा कर दिया। वो कैसे? काफी की ये ट्रे जो लाश के नीचे दबी पड़ी थी, इस पर उंगलियों के निशान हैं। किसके निशान? तीन आदमियों के। तीन आदमी कौन? एक मरने वाला, एक बांके और एक कोई तीसरा। तीसरा आदमी कौन है? वो तो मालूम नहीं, लेकिन घर वालों में से कोई नहीं। घर वालों में से कोई नहीं? Oh, that's very interesting. बख्शी। सर, इस पर जो उंगलियों के निशान है इन्हें एग्जामिन करो। राइट। और ट्रे पर लगे वो निशानों के साथ मिलाओ जो तीसरे आदमी। राइट सर। हेलो मिस्टर सुरेश, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? मिस्टर चंद्रशेखर आपके होटल में रहते हैं? जी हाँ। क्या मुझे आप उनका कमरा नंबर बता सकते हैं? वो तो बाग में है। वैसे अब्दुल जी, साहब को चंद्रशेखर साहब के पास ले जाओ। चलिए साहब।
वो बैठे हैं साहब। एक्सक्यूज मी, आपकी चाबियां। ओ धन्यवाद। माफ कीजिए, मैंने आपको कहीं देखा है। आपको शायद गलती हो रही है, मैं तो शहर में नया हूं। ओ ऐसे ही, सॉरी टू बॉदर यू। इट्स ऑलराइट। शुक्र है भगवान का जिसने मुझे देखा नहीं। ये फिंगरप्रिंट वो है जो ट्रे के ऊपर है, और ये फिंगरप्रिंट वो है जो सिगार कंटेनर के ऊपर है। अब मैं इन दोनों को मिलाता हूं। अब देखिए, ये दोनों निशान एक ही आदमी के हैं। ये दोनों निशान एक ही आदमी के मालूम होते हैं। एक ही आदमी के हैं। थैंक यू वेरी मच। कमर आना। यस सर। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, मुझे फिर बुला लिया। इंस्पेक्टर साहब, मैंने क्या किया साहब? मैं तो उस दिन से छमिया के उधर भी नहीं गया साहब। अंदर आओ। अंदर। बाकी साहब जी, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। साहब जी, जो पिछली बारी पूछा था वो कुछ काम नहीं आया? नहीं, कुछ और ही पूछा। साहब जी, एक बात कहूं साहब जी, आप ऐसे मत देखिए साहब जी, जो भी पूछना है जरा हंस के पूछे, वरना मेरी तो, आप समझ गए ना साहब जी? अच्छा अच्छा, बांके, तुम सुरेश साहब को जानते हो? जी साहब जी। अच्छी तरह जानते हो? जी बहुत अच्छी तरह साहब जी। सुरेश बाबू को घर का कौन सा आदमी नहीं जानता है साहब? सुरेश बाबू हमारे साहब के साथ शतरंज खेला करते थे, और मेरे साथ आंख में चोली। आंख में चोली? आंख में चोली से तुम्हारा क्या मतलब? साहब, मेरा रोज का छोटा मोटा खर्चा पानी उन्हीं के दम से चलता था। वो कभी कभी दे जाते थे, कभी कभी गोल कर जाते थे, और जब गोल कर जाते थे ना साहब, मैं खुद उनसे मांग लेता था। बाकी जी साहब, जिस रात खून हुआ उस रात सुरेश साहब तुम्हारे घर आए थे? साहब जब तक मैं ड्यूटी पे था तब तक तो नहीं आए थे, मेरे जाने के बाद आए होंगे तो साहब पता नहीं। तुम्हारी ड्यूटी कितने बजे खत्म होती है? जी 9:30 बजे। 9:30 बजे मैंने साहब को काफी पिलाई, गालियां खाई और दूसरी ड्यूटी पे चला गया। दूसरी ड्यूटी कौन सी? साहब वो छमिया वाली। अच्छा बाके, जी एक बात बताओ, सुरेश साहब की दोस्ती तुम्हारे साहब के साथ ज्यादा थी या मेम साहब के साथ? साहब वो तो दोनों के साथ थी। ज्यादा किसके साथ थी? साहब ज्यादा तो मेम साहब के साथ थी। गुड मॉर्निंग मिस्टर सुरेश। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर। हेलो, कहिए कैसे आना हुआ? माफ कीजिए जरा, आपको तकलीफ देने आया हूं। किस बारे में? आपके दोस्त रंजीत सिंह के कत्ल के बारे में। रंजीत सिंह के कत्ल से मेरा क्या ताल्लुक है? हाँ, आपका ताल्लुक तो कोई नहीं, लेकिन इस केस में जरा आपकी मदद की जरूरत है। जल्दी कहिए, मुझे कचहरी जाना है। सुरेश साहब, उस दिन आपने कहा था कि आपने दोस्त रंजीत सिंह के यहाँ तक मेरे दोस्त जाया करते थे, सिर्फ उसी रात नहीं गए जिस रात फोन हुआ? कहा तो था। बुरा ना माने तो आपसे पूछ सकता हूं कि उस रात आप कहां थे? उस रात सर्व होटल में कोई पार्टी थी? जी वो पार्टी मैंने ही दी थी। आप जानते हैं मैं इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूं, उसी सिलसिले में प्रेस के कोई रिपोर्टर और कुछ दोस्तों को बुलाया था। आपको कुछ और पूछना? जी नहीं, और कुछ नहीं पूछना। माफ कीजिए आपको तकलीफ थी। थैंक यू।
सर सुबह से शाम हो गई, क्या सोच रहे हैं आप? लीजिए चाय पीजिए। राणा जी, रंजीत सिंह के कत्ल ने जितना हैरान किया है उतना तो आज तक किसी केस में नहीं। वो कैसे? अरे एक तो ये घर ही अजीब सा है, पागल खाना से मालूम होता है। छोटा भाई है, अजीब आवाज तो भाई बता है, माँ है तो कुछ और ही कह रही है, बीवी है तो बिल्कुल खामोश, जाने क्यों। उधर चंद्रशेखर के बयान से कोई मदद नहीं मिलती, उसके कातिल तो देखा ही नहीं क्योंकि धुन थी। मैं कहता हूं जब कत्ल हुआ है तो कोई ना कोई तो कातिल होगा, कोई ना कोई तो इस घर में आया होगा। ट्रे पर पड़ी उंगलियों के निशान साफ जाहिर कर रहे हैं कि सुरेश ही आया। सर ट्रे पर उंगलियों के निशान से एक दिन पहले के भी हो सकते थे, जरूरी नहीं कि कत्ल की रात के हो। सुरेश उस घर में रोज आता था, मेरा ख्याल है मुखाम खा एक शरीफ आदमी पे शक कर रहे हैं। और फिर सुरेश वैसे भी नहीं हो सकता, वो उस रात सिवाय होटल में था, वो पार्टी उसकी अपनी दी हुई थी। सर अगर वो होटल में था तो रंजीत सिंह के घर में कैसे जा सकता है? यू आर राइट, अगर वो वहां था तो यहां कैसे हो सकता था, और जो यहां था वो वहां क्यों कर दे? कहना है कि वो मस्जिद में थे और साकी की गवाही है कि मैं खाने में थी, तो सवाल ये पैदा होता है जो यहाँ था वो वहाँ क्यों कर हुआ? क्यों करूं?
रंग दहका हुआ आप शोले की लौ आप बिजली की दौ अधर्मों की कमा दुश्मनी कल भोजा हर फिर पिया इस पया में कला हर फिर पिया इस पया में कला हर फिर पिया इस पया में कला फिर भी देखे कोई उनकी है बात भी अरे आशिकों से पूछने पाएंगे वो पाएंगे वो आशिकों से पूछने पाएंगे वो पाएंगे वो उनसे खातिर का घुमा क्यों कर घुमा उनसे खातिर का घुमा क्यों कर घुमा जो यहाँ था वो वहाँ क्यों कर घुमा जो यहाँ था वो वहाँ क्यों कर घुमा जो यहाँ था वो वहाँ क्यों कर हुआ जो यहाँ था वो वहाँ क्यों कर हुआ कोका कोला वालों को वाटर दे दिया ना जी हाँ दे और बटर वालों को जी पुलिस क्या पुलिस यस प्लीज एक्सक्यूज मी आई वांट टू सी द मैनेजर मैं ही मैनेजर हूँ फरमाइए मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है तो चलिए मेरे ऑफिस में थैंक यू आइए प्लीज कम तशरीफ रखिए बैठिए थैंक यू थैंक यू कहिए साहब क्या खिदमत करूं क्या बता सकते हैं कि 13 नवंबर को आपके होटल में क्या क्या एंगेजमेंट थी जी आई मीन कोई पार्टी कोई फंक्शन और समथिंग ओ जस्ट अ मिनट है अभी देखता हूं 13 नवंबर बोला ना आपने जी 13 नवंबर 12 देखिए साहब 1 बजे तो मेहता साहब का लंच था और उसके बाद 5 बजे कोका कोला वालों की टी पार्टी थी और रात को सुरेश साहब का डिनर कौन कौन लोग थे मिस्टर सुरेश की डिनर पार्टी में देखिए साहब यह बताना तो मुश्किल है सभी अखबारों के नुमाइंदे थे और शहर के बड़े बड़े लोग थे 300 आदमियों की पार्टी थी साहब सुरेश साहब तो पार्टी में होंगे साहब पार्टी ही उनकी थी फिर तो शुरू से आखिर तक रहे होंगे जी हाँ जी नहीं ठहरिए बीच में उनका एक फोन आया था और वो फोन मैंने ही लिया था हेलो सेवा होटल गुड इवनिंग सुरेश साहब होल्ड कीजिए हाँ तो वकील साहब आपका गरीबी हटाओ के बारे में क्या ख्याल है बहुत अच्छा नारा है तो आपके ख्याल में गरीबी हट जाएगी सिर्फ नारे लगाने से गरीबी नहीं हटेगी तो अगर आप इस इलेक्शन में चुन लिए गए तो इसके मुताबिक आप क्या करेंगे मैं तो ये करूंगा सदियों के इस गरीबी के अंधेरे को हटाने के लिए हम सबको मिलकर यही करना होगा अगर सरकार और जनता दोनों मिलकर रोशनी फैलाएं तो गरीबी जरूर हट सकती है मिस्टर सुरेश आपका फोन एक्सक्यूज मी वैसे रोशनी फैलाने के लिए आप प्रेस वालों की मदद भी बहुत जरूरी है हेलो अच्छा तो ये हुआ था इंस्पेक्टर साहब उस रात
सुरेश साहब पार्टी छोड़कर चले गए, फिर वापस नहीं आए? आए थे। कितने बजे? आपने ये हमारा मुजरा देखा है ना, ये करीब 11:15 बजे खत्म होता है। मैंने देखा जैसे ही मुजरा खत्म हुआ सुरेश साहब वापस आ रहे थे। पार्टी कितने बजे शुरू हुई थी? यही कोई 9:30 बजे के करीब। टेलीफोन कितने बजे आया था? जी वक्त का कुछ ठीक नहीं कहा जा सकता। अंदाजन? यही कोई 10:15 बजे होंगे। किसका टेलीफोन था? टेलीफोन किसका था ये तो नहीं मालूम, पर आवाज किसी औरत की थी। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम। थैंक यू। थैंक यू। आप लोगों ने एक बात नोट की? जी। हमारी पहली मुलाकात सुरेश के साथ रंजीत सिंह के मकान पर हुई। उन्होंने हमसे झूठ बोला था कि वो कत्ल की रात वहां नहीं थे, हालांकि वहां थे। दूसरी बार जब उनके मकान पर गए और उनसे पूछा कि कत्ल की रात वो कहां थे, उन्होंने फिर झूठ बोला और कहा वह सिवाय होटल में एक पार्टी पर गए थे, और ये बात साफ खा गए कि वो पार्टी छोड़कर क्यों चले गए, क्योंकि एक औरत का फोन उन्हें आया था। ये औरत कौन हो सकती है? बांके के बयान से साफ जाहिर है कि सुरेश के ताल्लुकात रंजीत सिंह से ज्यादा उनकी बीवी रानी रंजीत सिंह के साथ थे। वो टेलीफोन जरूर रानी रंजीत सिंह का होगा और वो वहीं गए होंगे। शेखर का कहना है कि रात के 11 बजे रंजीत सिंह के मकान के बाहर कोई आदमी उनसे टकराया था। मेरे ख्याल में टकराने वाला सिवाय सुरेश की और कोई नहीं हो सकता। हमें एक बार चंद्रशेखर से फिर मिलना चाहिए। चलिए चलिए। काजीराम। यस सर। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर साहब। गोल्फ चली जा रही है, क्या करें, आप जाने नहीं देते। भाई हम भी क्या करें, तुम्हारे सिवाय हमारे पास दूसरा गवाह भी तो नहीं। कहिए आज क्या हुक्म है राणा। यस सर। आपने कभी देखा है ना? हाँ। क्या वही तो नहीं जो कत्ल की रात रंजीत सिंह के मकान के बाहर आपके साथ टकराए थे? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, उसके लिए तो मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि बाहर धुंध इतनी थी मैं कुछ देख नहीं पाया। तो कहाँ देखा आपने इन्हें? इनको तो मैंने कल अभी अपने होटल के लॉन में देखा था। कौन है ये साहब? भाई यहाँ के बहुत बड़े वकील हैं, इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, हो सकता कल मिनिस्टर हो जाए। नमस्ते रानी जी। नमस्ते चंद्रशेखर जी, आइए बैठिए। आप अभी तक गए नहीं? जी नहीं, पुलिस ने जाने नहीं दिया, आज भी आई थी। क्यों? एक बड़ी अजीब बात हो गई है, वो आपको बचाने के लिए मैंने एक झूठी कहानी घड़ी थी, पुलिस को बयान दिया था कि कल की रात मुझसे एक आदमी टकराया था, पुलिस ने उसको रंग रूप देना शुरू कर दिया है। रंग रूप? हाँ, कोई यहाँ के बहुत बड़े वकील हैं, इलेक्शन में भी खड़े हो रहे हैं, पुलिस उनकी तस्वीर लेकर मेरे पास आई थी और पूछ रही थी कहीं ये तो नहीं टकराए थे। सुरेश तो नहीं? नाम तो नहीं बताया, सिर्फ फोटो दिखाई थी। ये तो नहीं? हाँ यही तो है, मगर मुझसे तो कोई टकराया नहीं था, पुलिस को इन पर शक क्यों है? मेरी वजह से। जैसे? हाँ, ये भी मेरी जिंदगी में अचानक उसी तरह आए थे जिस तरह आप आए हैं। रंजीत सिंह ने मेरा जीना हराम कर दिया था, मेरी दुनिया नर्क बना दी थी।
एक दिन मैंने इरादा किया कि ऐसे जीने से मर जाना अच्छा है। मैं अपनी जिंदगी को खत्म कर डालूं, कुछ खा के सो रहूं, पहाड़ से कूदकर मर जाऊं। ये सोच के मैं घर से चल खड़ी हुई। आप मेरी मजबूरी नहीं समझ सकेंगे। नहीं समझ सकूंगा वो बात की बात है, लेकिन आज पहली बार मालूम हुआ कि दुनिया में हसीन भी मजबूर है। क्या नाम है आपका? रानी। मैडम रानी, अगर मैं इस वक्त पुलिस को बुला लूं और कह दूं कि आप आत्महत्या कर रही थी, आप पे मुकदमा चलाया जाएगा और अपनी जान अपने हाथों लेने के जुर्म में जेल जाना पड़ेगा। क्या हक है आपको एक जिंदगी बर्बाद करने का? क्या समझती हैं आप? इंसाफ, कानून, अखलाक सब कुछ मर गया। शायद आप नहीं जानती आत्महत्या और कत्ल दोनों एक बराबर है। मैं क्या करूं? जिंदा रहना सीखिए। चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूं। नहीं, मैं अकेली ही चली जाऊंगी। मैं आपको इस हालत में अकेला नहीं छोड़ूंगा। चलिए मेरे साथ। सुनो, तुम दोनों में से जो भी पहले ऊपर जाए, मेरी स्वर्गवासी शाशा बंशीलाल से कह देना कि तुम्हारा भतीजा बांके बिल्कुल अच्छा है। और वाह वाह, क्या निशाना है आपका। मगर ये बेचारे जानवर क्यों? इसके लिए तो बेजान चीजें बहुत हैं। बेजान चीजों में खून नहीं होता। मजाक गोली की आवाज में नहीं, गर्म गर्म लाल लाल खून में होता है। आपकी तारीफ। मेरा नाम सुरेश सक्सेना है। वही तो नहीं जो इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं? जी। मेरी बीवी की सिफारिश लेकर क्या वोट लेने आए हैं? वो दिन भी आएगा, अभी तो मैं इन्हें सिर्फ छोड़ने आया हूं। लूली लंगड़ी है जो खुद नहीं आ सकती थी। नहीं नहीं, ये सैर कर रही थी, अचानक इनका पांव फिसल गया, पहाड़ी से गिरने वाली थी, मैंने इन्हें संभाल लिया। गिरने वाली थी या कूद रही थी? खुदकुशी करने गई होगी। क्यों जाने मन, पहाड़ी ज्यादा ऊंची थी या हिम्मत नहीं हुई? आप गलत समझे। बिल्कुल ठीक समझाऊं। सिर्फ ये ही नहीं, इस घर का हर आदमी मुझसे तंग है। मेरी मां, मेरा छोटा भाई, मेरी धर्मपत्नी, सब यही चाहते हैं कि मैं मर जाऊं। मुझे मौत नहीं आती, इसलिए खुद मरना चाहते हैं, लेकिन नहीं मर सकते। सब कुछ दिल है। क्या देख रहे हैं आप? जी जी, आपके पांव। सोनों में कर, ऊपर वाले ने बहादुर की कीमत ली है। कैसे जाते रहे? शिकार में एक शेर ने हमला कर दिया था। आप बहुत बहादुर आदमी हैं। अच्छा, मैं चलता हूं, फिर आऊंगा। क्यों क्यों आएंगे आप? मैंने कहा आपसे आने को। अपनी जरूरत से आऊंगा, आपका वोट जो लेना है। तो फिर मिलाओ हाथ। आप खुदकुशी मत करना, मैं फिर आऊंगा। सुरेश मेरी जिंदगी में आए, बाहर आ गई। उन्होंने मेरे जीवन में नए रंग भर दिए। मैं बेचैनी से उनका इंतजार करती रहती, उनकी राह देखती रहती। वो आते तो मैं कली की तरह खिल जाती। उन्हें देखकर अपनी सारी दुख दर्द भूल जाती और दौड़कर उनका स्वागत करती। अच्छी लगती हैं, ऐसी मुस्कुराती रहा कीजिए।
क्यों लीडर, कांटों ने दामन पकड़ लिया क्या? नहीं, फूलों ने। आइए अंदर आइए। हेलो मिस्टर रंजीत। आओ लीडर, कैसा चल रहा है आपका इलेक्शन? बस चल रहा है। आएंगे वाएंगे नहीं आप? क्यों? बहुत शरीफ आदमी हो। तो आप खड़े हो जाइए। खड़ा तो हो ही नहीं सकता, टांगे बेकार है। चलो किस बहस में पड़ गए लीडर, बाजी लगी है, शतरंज खेलो। पहले चाल आपकी है, चलिए। लीजिए। लीडर, मैं तो समझता हूं तुम्हारी ये पॉलिटिक्स भी शतरंज की बाजी की तरह ही है। मिस्टर रंजीत, पॉलिटिक्स ही क्या, ये पूरी जिंदगी ही शतरंज की बाजी की तरह है। क्या तुम मुझे फंसा ही दोगे? चाय। जब देखो बीच में आ जाती हो। देखते ना हम लोग खेल रहे हैं, चाय किसने लाने को कहा था? जी मैंने, मुझे आपके घर की चाय बहुत अच्छी लगती है। अच्छा अच्छा, आप चाय चलिए। अब क्या मेरे मुंह में डालोगे? जाओ यहां से, आउट। आई से गेट आउट। आप कहां देख रहे हैं? चल चलिए। लीजिए मिस्टर रंजीत, बाजी खत्म, आपको मात। मात तो मुझे जिंदगी भी नहीं दे सके लीडर, तुम क्या दोगे? मेरा मतलब है आप ये बाजी हार गए। अच्छा मिस्टर रंजीत, मैं चलता हूं। रानी, पागल आदमी की बात का बुरा नहीं मानते। उन्होंने आपका भी ख्याल नहीं किया। मैं कोई लाट साहब हूं? जरा मुस्कुराओ। उस दिन के बाद हम रोज मिलने लगे। एक दिन मैं जल्दी जल्दी तैयार होकर सुरेश से मिलने जा रही थी। रानी, इधर आओ। कहाँ जा रही थी? दवा लेने। क्या बीमारी है, जरा हमें भी तो बता दिया करो। अपने लिए नहीं, सुनील के लिए। बाहर जाने का बहाना। मैं क्या बगैर बहाने के बाहर नहीं जा सकती? जब आदमी चोरी करने लगता है तो झूठ भी बोलने लगता है। चोरी कैसी? आप क्या कहना चाह रहे हैं, साफ साफ क्यों नहीं कहते? जरूर कहूंगा, वक्त आने पर सब कुछ कहूंगा। चलो अभी मंदिर वाली पहाड़ी पर चलो। बाके जी जू, तुम जाओ, आज तुम्हारी मेम साहब हमें ले जाएंगे। अच्छा सर। जिंदगी भी कितनी हरामजादी है, पल पल में रंग बदलती है। कभी तुम पे तरस खाकर मैंने तुमसे शादी की थी, आज वो वक्त आ गया जब तुम मुझ पर तरस खा रही हो। ऊपर वाले ने मेरे असली पांव छीनकर नकली पांव दे दिए और सुपुत कर दिया तुम जैसी नाजुक अंदाम औरत के, जो इतना बोझ नहीं उठा सकती या उठाना नहीं चाहती। आप ऐसी बातें क्यों करने लगे हैं? इसलिए कि मेरे अंदर जहर भर गया है। तुमने, हालात ने, भगवान ने, सपने मिलकर मुझे एक रबड़ का बबुआ बना दिया है जिसके अंदर जहर ही जहर भरा हुआ है। जो मेरे इस पेट को दबाएगा मैं उसके मुंह पर यह जहर थूक दूंगा। रुक क्यों गई, चलाओ कुर्सी। चढ़ाई है। चढ़ाई है तो क्या हुआ, तुम अभी जवान हो, लगाओ जोर, जोर लगाओ और जोर से। Thank you.
और जोर लगाओ। लगाओ जोर, अरे जोर लगाओ। ऐसे इसका मतलब है अभी तुम्हारी जवानी शबाब पर है। मुझे मालूम है इस वक्त तुम क्या सोच रही हो, यही ना कि इस पहाड़ी के नीचे मुझे धक्का दे दो तो मेरी हड्डी पसली बराबर हो जाए। मगर तुम में ऐसा करने की हिम्मत नहीं है। हिंदुस्तान की औरत ने अभी तक अपने पति को मारना नहीं सीखा, चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो। ओ लीडर, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, इसीलिए हिंदुस्तान की औरतों को सती कहते हैं। क्यों सती सावित्री, क्या ख्याल है तुम्हारा? आज हमारे इलेक्शन की पहली पार्टी है, आप जरूर आएंगे। नहीं नहीं जैन साहब, अगर आप नहीं आएंगे तो हमारे इलेक्शन की खबर छापेगा कौन? जी हाँ, सेवाय होटल में ठीक 9:30 बजे मैं आपका इंतजार करूंगा। अच्छा हुजूर, मैं टेलीफोन रख रहा हूं, आप जरूर आएंगे। थैंक यू वेरी मच। रानी आओ अंदर। नहीं मैं यही ठीक हूँ। ठीक ठीक क्या करती हो, आओ अंदर। नहीं सुरेश, नहीं। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? सुरेश तुम मेरे घर पे मत आया करो। क्यों, बात क्या है? रंजीत के सर पे खून सवार है, वो कहते हैं सुरेश घर पे आया तो गोली मार दूंगा। गोली मारना मजाक है क्या, उसके बाप का राज है। तुम उन्हें नहीं जानते सुरेश, किसी की जान ले लेना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। अगर वो जान ले सकता है तो दूसरा भी कोई ले सकता है,
मैं उस कमीने को एक ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। मेरे लिए अपनी जान मुसीबत में ना डालो सुरेश, मुझे मेरी किस्मत पे छोड़ दो। तो मैं फिर आत्महत्या करने दूं? तुम कर ही क्या सकते हो, मैं तुम्हें नई जिंदगी दे सकता हूं, तुम्हें तलाक दिला सकता हूं, मैं तुमसे शादी कर सकता हूं। सुरेश, सुरेश, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं रानी। मिलाई आपने आशिक से? मैंने उसे यहां आने को मना किया तो तू उसके घर चली गई। छोड़ दो मुझे। छोड़ दूं ताकि तू उस कमीने कुत्ते के साथ जाकर सो जाए। खबरदार जो ऐसी बात। कमीने कुतिया, मैं तेरी आंख नहीं बुझा सकता तो तूने यहां ढूंढ लिया। कमीने कुतिया, तू समझते मुझे छोड़कर चली जाएगी? देखता हूँ कैसे जाती है तू। जरूर जाऊंगी, तुम क्या कर सकते हो? मैं उस हरामी कुत्ते की जिंदगी बर्बाद करूंगा। वो इलेक्शन में खड़ा होना चाहता ना, असेंबली में जाना चाहता ना, देखता हूँ कैसे जाता है। तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जरूर बिगाड़ सकता हूँ, मुझे मालूम है वो कहा है। सिवाय होटल में पार्टी दे रहा है, शहर के बड़े बड़े लोगों को, अखबार वालों को बुलाया। मैं वहां जाकर उस कमीने कुत्ते का भांडा फोड़ दूंगा और उनको बताऊंगा कि उनका होने वाला लीडर कितना कमीना कुत्ता है। मेरा घर पर बात कर रहा है। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। उस दिन रंजीत के सर पे खून सवार था, मैं डर गई न जाने वो सुरेश को क्या कर दे। मेरा दिमाग घूम रहा था, मैं फौरन ऊपर कमरे में गई और सुरेश को होटल में टेलीफोन कर दिया और रंजीत की धमकी के बारे में सब कुछ बता दिया। जैसे ही फोन नीचे रखा, मेरा सर चकराने लगा, दिल घबराने लगा, न जाने क्या होने वाला है। रंजीत एक जालिम आदमी है, वो कुछ भी कर सकता है। सुरेश मेरी वजह से किसी मुसीबत में न पड़ जाए। अगर कोई ऐसी बात हो गई तो मैं अपने आप को कभी माफ न कर सकूंगी। इन्हीं ख्यालों में खोई हुई मैं बाथरूम की तरफ चल पड़ी। जब मैं नीचे आई, सुरेश जा चुके थे और रंजीत गुस्से में भरे बैठे थे। मुझे देखते ही गालियां देने लगे और मारने के लिए पिस्तौल उठा लिया। मैं तो जिंदगी से तंग ही थी, एकदम उन पे झपट पड़ी। हाथापाई में पिस्तौल चल गया और गोली बजाए मेरे उन्हें लग गई और वो मर गए। इसके थोड़ी ही देर बाद आप आ गए, फिर जो कुछ हुआ सब मालूम है आपको। जिंदगी भी इंसान के साथ क्या मजाक करती है। जब मैंने आपको बचाने के लिए स्कीम बनाई तो ऐसा लगता है उस वक्त मैं किस्मत के साथ साजबाज कर रहा था। फांसी का फंदा आपके गले से निकाल के सुरेश के गले में डाल दिया। कत्ले अमर स्टेट वर्सेस सुरेश सक्सेना, 13 नवंबर की रात को 11 बजे हिल व्यू तुलसी मार्ग पर रंजीत सिंह वल्द शेर सिंह का खून हो गया था। रंजीत सिंह के खून के इल्जाम में पुलिस ने मिस्टर सुरेश सक्सेना को गिरफ्तार किया है और अब कानूनी कार्रवाई के लिए इस अदालत में पेश किया जा रहा है। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, मिस्टर मेहता, यस योर ऑनर, मिस्टर चंद्रशेखर को अदालत में पेश किया गया।
गवाहों के बयान से जाहिर होता है कि रंजीत सिंह के कातिल को किसी ने अपनी आंखों से देखा नहीं। अगर कोई देख सकता था तो वो था एक अजनबी मिस्टर चंद्रशेखर, जो इत्तफाकन कातिल से उस वक्त टकरा गया जब वो मौके वारदात से भाग रहा था। इससे पहले कि मिस्टर चंद्रशेखर संभल पाते या कातिल की सूरत देख पाते, वो धुंध में गायब हो गया। लेकिन योर ऑनर, पुलिस की तहकीकात से यह साफ जाहिर है कि अगर कोई रंजीत सिंह का खून कर सकता है तो वो है सिर्फ मिस्टर सुरेश सक्सेना और कोई नहीं। मिस्टर सक्सेना, आप अपने जुर्म का इकबाल करते हैं? नहीं योर ऑनर, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। मिस्टर सक्सेना, आप मुलजिम भी हैं और अपने वकील भी, अपनी सफाई में कुछ कहना है आपको? जरूर कहना है योर ऑनर। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खा सकता हूं कि रंजीत सिंह के खून से मेरा कोई वास्ता नहीं, ना ही इस बारे में मैं कुछ जानता हूं। मिस्टर सक्सेना, गीता पर हाथ रखकर अब क्या कहेंगे, मैं जानता हूं। भगवान को हाजिर नाजिर जानकर मैं कसम खाता हूं, जो कुछ कहूंगा झूठ कहूंगा और झूठ के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। सरकारी वकील के इस बयान पर मुझे इतराज है। पर क्यों मिस्टर सक्सेना, इस कचहरे में खड़े होकर झूठ बोलने का हक हर मुल्जिम को है। मैं तो आपका हक आपको याद दिला रहा हूं। मिस्टर मेहता, सरकारी वकील को मालूम होना चाहिए कि मिस्टर सक्सेना एक नामी वकील है। इनके बारे में कोई भी गैर कानूनी बात कहते वक्त आपको एहतियात से काम लेना चाहिए। I'm sorry, Your Honor, I'm very sorry. मैं तो भूल ही गया था कि वकील झूठ नहीं बोलते। Just a moment, Your Honor. Mr. Saxena, इंस्पेक्टर जोशी को आपने बयान दिया था कि कत्ल की रात आप रंजीत सिंह के घर नहीं गए थे, जबकि आप गए थे। एग्जिबिट नंबर 5 प्लीज। इस कॉफी के ट्रे पर आपकी उंगलियों के निशान मौजूद हैं। पहला झूठ। और दूसरा झूठ यह है कि आप इस हकीकत को साफ छुपा गए कि सरार होटल की पार्टी से आप एक घंटे के लिए चुपके से गायब हो गए थे 10 से 11 बजे तक, और इसी दरमियान रंजीत सिंह का खून हुआ था। मिस्टर सक्सेना, इखलाकन झूठ बोलना जुर्म है, मगर कानूनन आप बेहतर जानते हैं, आप नामी वकील हैं, आपके पास सच को छुपाने की कोई जरूर वजह होगी। बताइए मिस्टर सक्सेना, अदालत बड़ी बेचैनी से आपके जवाब का इंतजार कर रही है। इतने बड़े नामी वकील होकर आपने झूठ क्यों बोला? योर ऑनर, जिंदगी में ऐसे बहुत से नाजुक मौके आते हैं जब आदमी झूठ बोलने पर मजबूर हो जाता है। कभी उसकी इज्जत खतरे में होती है, कभी उसके रुतबे का सवाल होता है। योर ऑनर, मैंने इस हकीकत को छुपाना जरूर चाहा था, लेकिन रंजीत सिंह के खून से इसका कोई वास्ता नहीं। मगर उनकी धर्म पत्नी से जरूर है मिस्टर सक्सेना। रंजीत सिंह के खून होने से पहले उनकी धर्म पत्नी ने आपको टेलीफोन करके घर बुलाया था और आप वहां गए थे, यह सच बात है या नहीं? हाँ, ये सच है। इससे पहले तो आपने कहा नहीं था, अब कह रहे हैं। खैर, ये बताइए वो कौन सी बात थी जिसके लिए मिसेस रंजीत सिंह ने आपको इतनी रात गए बुलाया था? इस बात का रंजीत सिंह के खून से कोई वास्ता नहीं। मिस्टर सक्सेना, मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैं पूछ रहा हूं वो कौन सी बात थी जिसके लिए मिसेस रंजीत सिंह ने आपको इतनी रात गए बुलाया था? मिस्टर मेहता, आप मुल्जिम को जवाब देने पर मजबूर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता योर ऑनर? इसलिए कि नामी वकील है। नहीं, ये एक कानूनी बात है। हर मुल्जिम को इस बात का पूरा हक है कि वो आपके सवाल का जवाब ना दे। आपने इन पर जो इल्जाम लगाया है उसे साबित करना आपका काम है। किस तरह साबित करना है ये आप बेहतर जानते हैं। भूल गया था ऑनर, आपसे माफी चाहता हूँ, अब मैं मजबूर नहीं करूंगा। मिसेस रानी सिंह को अदालत में पेश किया जाए। रानी रंजीत सिंह हाजिर हो। मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। आपका नाम? रानी। आपके पति का नाम? ठाकुर रंजीत सिंह। आपकी उम्र? खैर जाने दीजिए, किसी खूबसूरत लड़की से उम्र नहीं पूछना चाहिए। आप सिर्फ इतना बताइए, 13 नवंबर की रात को, जिस रात आपके पति का खून हुआ था, आपने टेलीफोन करके मुलजिम को बुलाया था और ये पार्टी छोड़कर फौरन चले आए थे, ये बात सच है? मिसेस सिंह, इनकार की गुंजाइश नहीं, मिस्टर सक्सेना इकरार कर चुके हैं। अदालत सिर्फ आपके मुंह से सुनना चाहती है ये आए थे या नहीं। इतनी रात गए जब चारों तरफ इतनी धुंध थी, रास्ता सूझना मुश्किल था, इनकी आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी मिसेस सिंह?
तो इसलिए आपने बुलाया था कि ये आपके पति को राजी कर सके इस बात पर कि आपके पति आपको तलाक दे दें और आप इनकी हो जाएं। I object, Your Honor. सरकारी वकील गवाह को जबान दे रहे हैं। Your Honor, सच क्या है अदालत के सामने लाना मेरा फर्ज है। गवाहों के बयान से साबित हो चुका है कि मिसेस रानी रंजीत सिंह और मिस्टर सक्सेना सिर्फ दोस्त ही नहीं थे, इससे ज्यादा कुछ थे। रंजीत सिंह अपाहिज थे, उनके जिस्म का निचला हिस्सा बेकार हो चुका था, जिंदगी के कुछ खास कामों में अपनी धर्म पत्नी का साथ नहीं दे सकते थे। और रानी रंजीत सिंह आप तो देख ही रहे हैं, हसीन हैं, खूबसूरत हैं, जवान हैं, क्या क्या नहीं है आप देख चुके हैं ऑनर। अब मिस्टर सक्सेना की तरफ देखिए, ये भी हसीन है, खूबसूरत है, जवान है और जैसा कि अभी अभी आपने कहा था नामी वकील भी है। योर ऑनर, इन दोनों की खूबसूरती आपस में खिंचती चली गई और मोहब्बत में बदल गई, और जब यह मोहब्बत किसी खास गहराई तक पहुंच गई तब रंजीत सिंह बर्दाश्त नहीं कर सके। योर ऑनर, कोई भी पति चाहे अपाहिज क्यों ना हो, इस बात को कभी गवारा नहीं करेगा कि उसकी जगह कोई दूसरा आदमी उसकी बीवी के बिस्तर में दिखाई दे। आई स्ट्रॉन्गली ऑब्जेक्ट योर ऑनर। सरकारी वकील का इल्जाम गंदा है और अखलाक से गिरा हुआ। मिस्टर मेहता, आप अपने अल्फाज वापस लीजिए। मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं, हालांकि मैंने जो कुछ कहा सच है। जो सच गंदे तरीके से कहा गया है उसे छुपा कर भी कहा जा सकता है। अच्छी बात है रोना, मैं अब गंदगी को छुपा कर ही पेश करूंगा। मिसेस रानी रंजीत सिंह, गंदगी को छुपा कर कहिए, मिस्टर सक्सेना के साथ आपका क्या रिश्ता है? मिस्टर मेहता, अच्छी बात है, यह भी नहीं पूछूंगा। आप इतना बताइए, कत्ल की रात आपने इन्हें फोन किया था और ये आपके घर आए थे, तब क्या हुआ? उस रात मेरा और मेरे पति का बहुत झगड़ा हुआ था। मिस्टर सक्सेना की वजह से? जी हाँ, इस झगड़े की वजह से मेरा सर दर्द के मारे फटा जा रहा था। इन्हें टेलीफोन करने के बाद मैं नहाने चली गई। हाँ, जब मैं नहा रही थी मुझे कुछ जोर जोर से बोलने की आवाज ही सुनाई दी। मैंने सुनने की कोशिश की तो मुझे ऐसे लगा जैसे सुरेश आ गए थे और मेरे पति और सुरेश में किसी बात पर तकरार हो रही थी। मैं जल्दी जल्दी नहाकर बाहर निकली तो आवाजें बंद हो गई, मगर इसके थोड़ी ही देर बाद फिर मेरे पति के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, जैसे जैसे वो किसी पर बिगड़ रहे हों। बिगड़ रहे हो क्या मतलब, ये बताइए वो क्या कह रहे थे? मैं सुनने की कोशिश कर रही थी कि उसी वक्त ऊपर से एक हवाई जहाज गुजरा और मैं कुछ न सुन सकी। जब जहाज चला गया तो सन्नाटा छा गया और मैं जल्दी जल्दी नीचे आ गई। योर ऑनर, ये पॉइंट नोट किया जाए कि हवाई जहाज की आवाज की वजह से ये कुछ सुन न सकी। तो मिसेस रंजीत सिंह, आप नहाकर जल्दी जल्दी बाहर निकली, जल्दी जल्दी नीचे चली आई, इसका यह मतलब हुआ कि बिना कुछ पहने आप नीचे चली आई। मिस्टर मेहता, इस सवाल का मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं। ताल्लुक है योर ऑनर, 11 बजे तक यानी कत्ल के वक्त तक ये क्या कर रही थी मेरे लिए जानना बहुत जरूरी। मिसेस रंजीत सिंह, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं साड़ी पहनकर ही नीचे आई थी। हाँ, लेकिन पुलिस ने आपको नाइट ड्रेस में देखा था। खैर, आपने नीचे आकर क्या देखा? सुरेश जा चुके थे। और आपके पति? वो गुस्से में मेरी तरफ देख रहे थे। उन्होंने आपसे कुछ कहा? वो मुझ पर इतने बिगड़ गए कि मैं ऊपर चली गई। इसका मतलब ये तब तक जिंदा थे? जी हाँ, वो जिंदा थे। झूठ, वो जिंदा नहीं थे। न मिस्टर सक्सेना वहां से जा चुके थे जैसा कि अभी भी आपने कहा। आपके पति को कत्ल करने के बाद वो वही मौजूद। मेरे फाजिल दोस्त एक सांस में दो उलट बयान दे रहे हैं। योर ऑनर, इस पूरे मुकदमे की बुनियाद इस बात पर रखी गई है कि कत्ल रात के 11 बजे हुआ था। राधा ने गोली की आवाज बावर्चीखाने में 11 बजे सुनी थी। उस वक्त मिसेस रंजीत सिंह राधा के साथ बावर्चीखाने में मौजूद थी। अब ये कह रहे हैं जब मिसेस रंजीत सिंह नीचे आए तो रंजीत सिंह का कत्ल हो चुका था और मैं वहां मौजूद था। योर ऑनर, मेरी समझ में नहीं आता इन दोनों बातों में से कौन सी बात ठीक है। दोनों दोनों सुरेश बाबू, दोनों। क्या फजूल बात कर रहे हैं आप मिस्टर मेहता? क्या किसी आदमी का खून दो बार हो सकता है? हो सकता है, नहीं हुआ, और दोनों बार आपने ने किया। ये मजेदार बात है योर ऑनर। मैं अपने फासिल दोस्त से पूछता हूं, खून पहली बार कैसे हुआ था और दूसरी बार कैसे? योर ऑनर, पहली बार उस वक्त खून हुआ जब ऊपर से हवाई जहाज गुजरा जिसकी आवाज का फायदा उठाकर इन्होंने रंजीत सिंह पर गोली चलाई। ये बिल्कुल झूठ है योर ऑनर। ये बिल्कुल सच है योर ऑनर। इनका ख्याल था कि हवाई जहाज के शोर में गोली की आवाज दब जाएगी, मगर इन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि एक चश्मदीद गवाह वहां मौजूद थी। वो गवाही अभी तक पेश क्यों नहीं की गई?
योर ऑनर, ये गवाही मैंने जानबूझकर पेश नहीं की थी, मैं मुनासिब मौके के इंतजार में था। इंस्पेक्टर जोशी, गवाही पेश कीजिए। योर ऑनर, ये वो गवाही है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता, पॉकेट वॉच। इसके पीछे लिखा हुआ है, टू माय डियरेस्ट रंजीत ऑन अवर फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी रानी। आप इसे पहचानती हैं? हाँ, मैंने ये घड़ी अपने पति को शादी की पहले सालगिरह पे दी थी। आपके पति इस घड़ी को कहाँ रखते थे? अपनी जेब में रखते थे। थैंक यू योर ऑनर। ये घड़ी उस वक्त भी रंजीत सिंह की जेब में थी जिस वक्त उन पर गोली चली, और बैलिस्टिक रिपोर्ट के मुताबिक ये घड़ी उसी गोली से बंद हुई जिससे रंजीत सिंह की मौत हुई। आप देख सकते हैं इसमें 10:30 बजे बैलिस्टिक रिपोर्ट प्लीज। इसका मतलब ये सच है योर ऑनर, रंजीत सिंह का खून 10:30 बजे हुआ था। अब जा सकते हैं। क्या मैं अपने पाजल दोस्त से पूछ सकता हूं, अगर खून 10:30 बजे हुआ था तो 11 बजे गोली किसने चलाई थी? वो गोली भी आप ही ने चलाई थी सुरेश बाबू, वो था आपका दूसरा खून। दोनों सुरेश, दोनों। कहानी अच्छी घड़ी आपने मिस्टर मेहता। इसका मतलब है खून करने के बाद 10:30 बजे से 11 बजे तक मैं रंजीत सिंह की लाश के साथ शतरंज खेलता रहा और इस बात का इंतजार करता रहा कि 11 बजे मिस्टर चंद्रशेखर आए, मैं उठकर वहां से भागूं और उसे टकरा जाऊं ताकि फांसी का फंदा बहुत आसानी से मेरे गले में डाला जा सके, है ना मिस्टर मेहता? आप शतरंज नहीं खेल रहे थे सुरेश बाबू, आप एक दूसरी चाल चल रहे थे। आप एक नामी वकील हैं, कानून के दांव पे आज बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। 10:30 बजे से 11 बजे तक आप क्या कर रहे थे, रानी रंजीत सिंह को क्या सबक पढ़ा रहे थे, मैं बताता हूं। खून करने के बाद आप दोनों ने मिलकर एक झूठी चोरी का ड्रामा बनाया, कमरे की हर चीज पर से अपनी उंगलियों को निशान मिटाए, लेकिन वो कॉफी ट्रे जो लाश के नीचे दबी पड़ी हुई थी आपको दिखाई नहीं दी, उस पर आपकी उंगलियों के निशान रह गए। फिर रानी सिंह ऊपर गई, जल्दी जल्दी नाइट ड्रेस पहनी, राधा को बुलाया, सर के दर्द का बहाना किया, उसे चाय बनाने के लिए कहा, और फिर खुद एनसीन ढूंढने के लिए बावर्ची खाने में आई और 11 बजे तक ढूंढती रही मगर इन्हें नहीं मिली। हालांकि इन्हें मालूम था कि एनसीन वही दराज में पड़ी थी। उसी वक्त गोली चलने की आवाज आई जो मौके वारदात से भागने से पहले आपने चलाए थे महज कानून और इंसाफ को धोखा देने के लिए। योर ऑनर, गोली चलाने के 3 मकसद थे। पहला मकसद, अदालत में यह साबित हो सके कि रंजीत सिंह का खून 11 बजे से पहले नहीं हुआ था। दूसरा मकसद, रानी रंजीत सिंह के लिए इशारा था कि अब वो राधा को रंजीत सिंह के कमरे में भेजे ताकि रंजीत सिंह के खून का वो पहला गवाह बने। तीसरा मकसद, रानी रंजीत सिंह और सुरेश बाबू कानून की नजर में बेगुनाह साबित हों क्योंकि खून के वक्त दोनों वहां मौजूद नहीं थे। रानी रंजीत सिंह बावर्ची खाने में थी और ये भाग चुके। लेकिन योर ऑनर, वो ताकत जिसने ये दुनिया बनाई है, अल्लाह, खुदा, परमेश्वर, भगवान, जो भी उसका नाम है, इस दुनिया को चलाने के लिए उसने अपने कानून बनाए हैं। इंसाफ करने का उसका अपना तरीका है जो हर इंसान के पहुंच से बाहर है। जैसे सुरेश बाबू बंगले से बाहर भागे, एक ऐसे अजनबी से टकरा गए जिसके इस ड्रामे के साथ कोई वास्ता नहीं था, जिसका मौके वारदात पर पहुंचना महज एक इत्तफाक था। ये रौनक, ये वो शख्स है जिसने अपनी हवस के लिए कानून और इंसाफ दोनों को दलील किया। ये वो शख्स है जिसने घर ही बर्बाद नहीं किया बल्कि एक ऐसे आदमी का खून किया जो अपाहज था, चल फिर नहीं सकता था और अपना बचाव भी नहीं कर सकता था। ऐसे आदमी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये रौनक, मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि सुरेश सक्सेना को फांसी की सजा दी जाए। नहीं, 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 नहीं। जज साहब, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। कहिए। आज तक जो कुछ इस अदालत में कहा गया है योर ऑनर, सब झूठ है, सब गलत है। सच क्या है मैं बताती हूँ। मिस्टर सुरेश बिल्कुल बेकसूर हैं योर ऑनर, इन्हें खून के बारे में कुछ नहीं मालूम। खून मैंने किया है योर ऑनर। मैं समझता हूँ मिसेस रंजीत सिंह, मोहब्बत के लिए आप खून का इल्जाम अपने ऊपर ले रही हैं, लेकिन ये अदालत है, हर बयान का सबूत चाहिए, चाहे वो सच ही क्यों ना हो। सबूत है वकील साहब, मेरा एक चश्मदीद गवाह है। कौन है आपका गवाह? चंद्रशेखर। लेकिन
योर ऑनर, चंद्रशेखर को फिर से अदालत में पेश किया जाए। योर ऑनर, मुझे रानी से अकेले में मिलने की इजाजत दी जाए। बिल्कुल नहीं योर ऑनर, जब तक चंद्रशेखर का बयान पूरा ना हो जाए, रानी रंजीत सिंह को हवालात में रखा जाए और इन दोनों को मिलने की इजाजत न दी जाए। मेरा रानी से मिलना बहुत जरूरी है योर ऑनर। आई एम सॉरी, इसकी इजाजत अब नहीं दी जा सकती। चंद्रशेखर को कल अदालत में हाजिर किया जाए। आपका नाम मिस्टर चंद्रशेखर है? हाँ, क्या बात है? आपके नाम समन है, कल आपको कोर्ट में बुलाया है। मिस्टर चंद्रशेखर किस कमरे में है? रूम नंबर 116। इस वक्त कमरे में है? यस प्लीज, रूम में। थैंक यू। मिस्टर चंद्रशेखर, एक बार आप इस अदालत में पहले भी बयान दे चुके हैं, आज आपको फिर बुलाया गया है। बयान देने से पहले आप ये बात अच्छी तरह याद रखिए, आपके इस बयान पर एक आदमी की जिंदगी और मौत का फैसला होने वाला है, इसलिए भगवान को हाजिर नाजिर जानकर जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा और कुछ नहीं कहेंगे। मैं भगवान को हाजिर नाजिर जानकर कसम खाता हूं, आज जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मिस्टर चंद्रशेखर, आप इन्हें जानते हैं? जी हाँ। इनका कहना है कि रंजीत सिंह का खून इन्होंने किया और आप चश्मदीद गवाह हैं, ये सच है? जी नहीं, इन्होंने अपने पति का खून नहीं किया। तो चंद्रशेखर, ये क्या कह रहे हैं आप? आप सच क्यों नहीं बताते? आप तो जानते हैं खून मैंने किया है। हाँ, मैं जानता हूँ मिसेस सिंह, खून आपने नहीं किया। इसका मतलब है मिसेस रंजीत सिंह का बयान कि इन्होंने अपने पति का खून किया गलत है? जी हाँ। मतलब बिल्कुल साफ है ऑनर, मिसेस रंजीत सिंह अपने प्रेमी को बचाने की कोशिश कर रही है। आप ठीक कहते हैं वकील साहब, ये अपने प्रेमी ही को बचाने की कोशिश कर रही है। यानी सुरेश सक्सेना ही रंजीत सिंह के कातिल हैं? नहीं वकील साहब, मिस्टर सुरेश भी कातिल नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप? कातिल ये भी नहीं, कातिल ये भी नहीं, तो क्या कातिल मैं हूं? मिस्टर चंद्रशेखर, ये अदालत है, थिएटर नहीं। आपने बयान दिया था कि आपने कातिल को नहीं देखा क्योंकि धुंध थी, अब ऐसा लगता है कि जैसे आपने खून होते हुए देखा है। कातिल को पहचानते हैं? जी हाँ, मैं कातिल को पहचानता हूँ और कातिल इस वक्त अदालत में मौजूद है। ऑर्डर, ऑर्डर। मिस्टर चंद्रशेखर, बताइए कौन है कातिल? जरूर बताऊंगा योर ऑनर, पर इससे पहले मैं एक कहानी सुनाने की इजाजत चाहता हूं।
कहानी 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 और ऑनर, अब तक हम अदालत में कहानी सुनते आ रहे हैं, अगर इन्हें मालूम हो तो इनसे कहिए हकीकत क्या बता दें। ये कहानी हकीकत ही है योर ऑनर, इसका रंजीत सिंह के खून से बहुत गहरा ताल्लुक है। कहिए क्या कहना है आप। योर ऑनर, आज से कई साल पहले की बात है, रंजीत सिंह और प्रकाश दो दोस्त थे, दोनों मिलकर इकट्ठा कारोबार किया करते थे। एक दिन प्रकाश की जिंदगी में एक बहुत ही खूबसूरत और भोली भाली लड़की आई जिसका नाम किरण था। प्रकाश ने किरण से शादी करने का इरादा कर लिया, मगर रंजीत सिंह की बुरी नजर उस पर पड़ी और उसकी नीयत खराब हो गई। अपने रास्ते से हटाने के लिए रंजीत सिंह ने गबन का एक झूठा मुकदमा बनाया और प्रकाश को उसमें फंसा दिया। मुकदमा ऐसा बनाया गया योर ऑनर कि प्रकाश अपनी बेगुनाही साबित न कर सका और उसे 5 साल की सजा हो गई। फिर 5 साल की सजा काटने के बाद जब प्रकाश वापस आया तो उसे पता चला रंजीत सिंह ने किरण को अपनी हवस का शिकार बना लिया और किरण ने शर्म के मारे आत्महत्या कर ली। प्रकाश ये बात सुनकर पागल हो गया, उसके दिल में बदला लेने की आग भड़क उठी और वो सीधा रंजीत सिंह के मकान पर पहुंचा। आहिस्ता आहिस्ता तरफ बढ़ा। उस वक्त रंजीत सिंह अपनी पिस्तौल में गोली भर रहा था, जैसे ही उसने प्रकाश के पांव की आहट सुनी वो पलटा और प्रकाश को देखकर हैरान रह गया। इधर प्रकाश भी हैरान था कि रंजीत सिंह जैसा सुअर आदमी अपाहिज हो चुका है। उसने सोचा भगवान ने उसका बदला उससे ले लिया है। प्रकाश ने रंजीत सिंह के मुंह पर थूका और कहा, जा, तेरी जिंदगी ही तेरी मौत है। मगर जैसे ही प्रकाश जाने लगा रंजीत सिंह ने ललकारा और पिस्तौल प्रकाश उसको झपटा, दोनों में हाथापाई हुई। रंजीत सिंह के सर पर खून सवार था, वो चाहता था कि प्रकाश को खत्म कर दे, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। हाथापाई में गोली चल गई और प्रकाश की जगह रंजीत सिंह मारा गया। ठीक उसी वक्त ऊपर से एक हवाई जहाज गुजरा जिसके शोर में गोली की आवाज दब गई और घर में किसी को खून का पता न चला। प्रकाश ने बत्ती बुझाई और चुपके से बाहर चला गया। क्या आप प्रकाश को और किरण को अदालत में पेश कर सकते हैं? जी हाँ। योर ऑनर, किरण, मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की थी मगर भगवान ने मुझे बचा लिया। मिस्टर चंद्रशेखर, ये प्रकाश कौन है? प्रकाश मैं हूं। योर ऑनर, मैं ही रंजीत सिंह का दोस्त था, मैं ही बदला लेने रंजीत सिंह के मकान पर गया था और मेरे ही साथ हाथापाई में रंजीत सिंह का खून हुआ था। मगर योर ऑनर, ये कहानी यहां खत्म नहीं हुई, कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जब मैं रंजीत सिंह के घर से निकला तो रास्ते में अचानक मुझे पता चला मेरा बटुआ नहीं है। मैंने फौरन गाड़ी घुमाई और रंजीत सिंह के घर की तरफ फिर से चल पड़ा। वो बटुआ लेना मेरे लिए बहुत जरूरी था क्योंकि वो मुझे फांसी के तख्ते पर लटका सकता था, इसलिए जानबूझकर मैंने एक पेड़ के साथ अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया ताकि टेलीफोन करने के बहाने घर में दाखिल हो सकूं और अपना बटुआ ढूंढ सकूं। जब मैं दोबारा घर में दाखिल हुआ तो मैंने ऐसे जाहिर किया जैसे पहली ही बार आया हूं। धीरे धीरे रंजीत सिंह की कुर्सी की तरफ बढ़ा, उससे बात करने का नाटक किया और जैसे ही उसे छुआ उसकी लाश गिर पड़ी। मगर योर ऑनर, मेरी हैरानगी की कोई हद न रही जब मैंने देखा कि एक औरत हाथ में पिस्तौल लिए खड़ी है और रंजीत सिंह के खून का इल्जाम अपने सर ले रही है। ये थी रानी रंजीत सिंह। मुझे मालूम था योर ऑनर कि खून उसने नहीं मैंने किया है, इसलिए उसे बचाने के लिए मैंने एक कहानी बनाई। जो ड्रामा मिसेज रंजीत सिंह ने किया वो मेरा बताया हुआ था। ये वाकई तकदीर का खेल है योर ऑनर। जब मैं रंजीत सिंह से मिलने गया उससे कुछ ही देर पहले सुरेश रंजीत सिंह से झगड़ा करके गए थे। रानी ने खून का इल्जाम अपने सर क्यों लिया अब मैं समझा। इनका ख्याल था रंजीत सिंह का खून सुरेश ने किया है।
योर ऑनर, दर्द मोहब्बत क्या है मैं जानता हूं। मैंने अपनी मोहब्बत को बर्बाद होते हुए देखा है। सुरेश और रानी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मुझे ऐसा लगा फांसी का फंदा एक के गले से निकाल कर मैं दूसरे के गले में डाल रहा हूं। योर ऑनर, इस बात का मेरे दिमाग पर बहुत बोझ था। और कल रात जब किरण, सिस्टर किरण मुझसे मिलने आई, तो मैंने फैसला कर लिया मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा। और वैसे भी योर ऑनर, अब मेरी जिंदगी में रहा ही क्या है। मिस्टर मेहता, आपको कोई सवाल पूछना है? वैसे मेरे ख्याल में मिस्टर सुरेश बेगुनाह है। योर ऑनर, इंसान का जमीर और भगवान का इंसाफ हमेशा कानून की मदद करते आए हैं। चंद्रशेखर के झूठ और प्रकाश के सच ने इंसाफ को फिर से बचा दिया। इन्होंने जो कुछ कहा सच है। अदालत तराजू के दो पलड़ों की तरह है। एक पलड़े में कानून होता है और दूसरे में इंसाफ। कानून की नजर में मिस्टर प्रकाश मुजरिम है, मगर इंसाफ की नजर में वो बेगुनाह है। इसलिए मिस्टर प्रकाश को ये अदालत बाइज्जत बरी करती है। हम लोग खिलौने हैं एक ऐसे खिलाड़ी के। हम लोग खिलौने हैं एक ऐसे खिलाड़ी के, जिसको अभी सदियों तक ये खेल रचाना है। संसार की हर शय का इतना ही फसाना है। एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। La 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 la